Hello, Arya Marwadkar here with my brother Srinivas. Yoga, a way of life presents another video in the Pranayama series. पिछले वीडियो में हमने डीप ब्रीदिंग के बारे में सीखा है. If you wish to watch that video, go into the description box below and click on the link. कपालभाति. चलो तो इस वीडियो में हम जानते हैं कपालभाति के बारे में, जो एक परिपूर्ण प्राणायाम है जिसे हर एक व्यक्ति ने रोज करना चाहिए. And it will surely help him to lead a better and healthy life. यह प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका लेजीनेस, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, अस्थमा और बाकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस को दूर रखता है. इस प्राणायाम से आपकी माइंड और बॉडी रिलैक्स होती है. लेकिन ध्यान रखिए, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, हर्निया, स्पॉन्डिलिसिस, स्लिप डिस्क, गैस्ट्रिक अल्सर वाले मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना. चलो तो हम श्रीनिवास के पास चलते हैं, हु इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दिस प्राणायाम. सबसे पहले सुखासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखें. इस प्राणायाम में कम समय में छोटी सांस भर लेनी है और फिर जोर से सांस छोड़नी है. सांस लेते हुए आपका पेट थोड़ा बाहर फूलेगा, फिर सांस छोड़ते हुए पेट जोर से पूरी तरह से अंदर चला जाएगा. छाती और कंधों को न हिलाएं, इस प्रकार से. याद रखें, कपालभाति करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी होनी चाहिए और सिर्फ नाक द्वारा ही सांस ले और सांस छोड़े. शुरुआत में आप 50 से 60 स्ट्रोक कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे काउंट्स बढ़ा सकते हैं.